गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो तुम सब लोग? चलो शुरू करते हैं आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम भी लेगा ये। वेरी गुड गौरव। क्वेश्चन क्वेश्चन लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग? अब तो लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है, कभी भी तुम्हारा एग्जाम अनाउंस हो सकता है। अच्छा लास्ट क्लास हमने यहाँ पे स्किप किया था, यहाँ पे छोड़ा था कि दो सिमिलर टाइप की हाफ सेल होती हैं। यही कहा नहीं था कि अभी लॉकडाउन खत्म होने के साथ साथ एग्जाम की भी अनाउंसमेंट आ सकती है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। तो लास्ट क्लास हमने ये दो सिमिलर टाइप की सेल पढ़ी थी, एक को बोला था मेटल मेटल आयन और दूसरे को बोला था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। और ये एक फॉर्मूला समझा था कि मेटल मेटल आयन के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है 0.0591 बाय एन लॉग केएसपी। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, दोनों सेल के ई को इक्वल करके आ जाता है, यहाँ के ई और यहाँ के ई वैल्यूज को, दोनों सेल के ई वैल्यूज को इक्वल करके हमें ये रिलेशन मिलता है दोनों के स्टैंडर्ड पोटेंशियल में। राइट, सबको क्लियर था ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक? तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन अब आने लगे हैं। एक सेल का ई नॉट दे देंगे, दूसरे सेल का ई नॉट पूछ लिया जाता है। और इसी में समझाता है कि इसी टाइप की हाफ सेल में एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेल होती है जिसे हम बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। बेसिकली हमारे पास दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, एक हाइड्रोजन एंड एक कैलोमल इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन वाले को मेनली हम यूज करते हैं एनोड की तरह। क्या रिपीट करना है विवेक, आयुष? नेटवर्क इशू तो था, पीछे कर लो, ये तो पिछली क्लास का बताया था बस अभी तक। ये सब तो वही बता रहा हूँ जो पिछली क्लास में समझाया था कैसे आया था, दोनों की ई वैल्यूज को इक्वेट करके ये फॉर्मूला बनाया था हमने। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बेसिकली यूज किया था एज एनोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं मेनली एज कैथोड। रेफरेंस का मतलब इनकी मदद से दूसरी हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है। तो तुम्हें ध्यान रखना कि कैलोमल इलेक्ट्रोड में Hg2Cl2 होता है, इसका कॉमर्शियल नेम कैलोमल होता है, Hg2Cl2/Cl-। इसको हम एज एनोड एस कैथोड यूज कर सकते हैं, मोस्टली इसे एस कैथोड यूज किया जाता है। सबको क्लियर? एक अलग क्वेश्चन ट्राई करो कैलोमल इलेक्ट्रोड पे बेस से। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें छोटे लेवल के, इजी लेवल के क्वेश्चन में मिलेंगे। दो सेल बनाई गई डैनियल सेल के, जिंक और कॉपर को लेके एक एक बार कैलोमल के साथ, क्योंकि साहिल अभी आगे तुम ये समझोगे, सॉरी समझोगी निदा, कि मरकरी की रिएक्टिविटी काफी कम है, तो ज्यादातर केस में जब भी किसी मेटल के साथ मरकरी को लिया जाएगा तो मरकरी एक्ट्स एज कैथोड। इस वजह से ये ऑटोमेटिकली अपने आप कैथोड की तरह ही काम करता है रिएक्टिविटी कम होने की वजह से।
इस वजह से ज्यादातर केस में कैलोमल इलेक्ट्रोड एज कैथोड यूज होता है। अब तो मरकरी से भी कम रिएक्टिव एलिमेंट्स ले आओ तो ये एज एनोड यूज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल विद नॉन मेटल्स। बट मोस्टली सेल हमारी मेटल की होती है और उनमें मरकरी लेस रिएक्टिव है। बिल्कुल, रिएक्टिविटी मैटर करती है। वी वुड डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है। एक बार जिंक वाला लिया गया डैनियल सेल का और इसको किसके साथ मिला दिया गया, कैलोमल के साथ, तो पोटेंशियल आया 1.083। एक बार कॉपर वाले को लिया गया कैलोमल के साथ, नोटिस करो कि मैंने बार बार दोनों बार कैलोमल को एज कैथोड यूज किया है, तब पोटेंशियल आया -0.018। तो हमें बताना है Zn ZnSO4 और Cu CuSO4 का पोटेंशियल, ये बताना है। आई बात समझ में? E ऑफ कैलोमल प्लस E ऑफ एनोड ऑक्सीडाइजिंग, तो E ऑफ एनोड आ जाएगा, कैलोमल का रिडक्शन दिया हुआ है 1.083 -0.28। 30 ले लेते, 7 ले लेते, 0.72 के आसपास। यहां पे देखा जाए, यहां पे -0.018 प्लस एनोड ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू प्लस 0.28 कैलोमल रिडक्शन। तो यहां से कॉपर का ऑक्सीडेशन आ जाएगा -0.28 -0.018 0.29 के आसपास। तो इस वाली सेल का पोटेंशियल आ गया 0.72 प्लस 0.29 1.1 के आसपास। समझ में आ गया तुम लोग कैसे किया? बस प्लस माइनस देख लेना, ज्यादा सो मत। एक बार रीओपन कर लोगे, वीडियो चलने से पहले ही बफर कर रही है। गौरव हमें ये दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ था कि जिंक और कॉपर को बारी बारी से कैलोमल के साथ रखा गया, एक सेल बनाई गई और उनका पोटेंशियल ये आया। कैलोमल वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को बार बार हमने एज कैथोड यूज किया और उसके पोटेंशियल की मदद से जिंक और कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल आ गया। बिकॉज हमने यहां जिंक को एज एनोड लिया और यहां कॉपर को एज एनोड लिया, तो पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग आया। दोनों बार मैंने फॉर्मूला यूज किया, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड प्लस ई एनोड। 0.28 का साइन चेंज नहीं हुआ है, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, 0.28 को प्लस ही रखा है मैंने दोनों केस में, क्योंकि वो रिडक्शन फॉर्म में चाहिए और रिडक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो दोनों केस में मैंने 0.28 प्लस का ही रखा है। वो इज इक्वल टू के उधर जाके उसका साइन चेंज हो गया। हाँ विवेक, ऐसे भी कर सकते हो, ZN वाले को CU वाले से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर सबको? समझ में आ गया? चलो फिर फटाफट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें भी तुम्हें कैलोमल इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा। देखो एक बार अगर तुम्हें हाफ सेल समझ में आ गई ना, तो चाहे रिएक्शन कितनी भी बड़ी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक सेल दी हुई है, इस सेल का ईएमएफ 612 मिली वोल्ट है किसी सर्टेन कंडीशन में। एचएक्स की जगह जब एक बफर सॉल्यूशन यूज कर लिया जाता है 6.8 का,
ईएमएफ हो जाता है 741 मिली वोल्ट। तो एचएक्स सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, फाइंड पीएच ऑफ एचएक्स सॉल्यूशन। बस इसके बाद एक और चैप्टर है, फिर हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। जो बोलोगे वो स्टार्ट करूंगा, इनऑर्गेनिक का हो गया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का हो गया ऑर्गेनिक। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, जो इस क्वेश्चन का जवाब पहले बताएगा उसका आंसर माना जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले बताएगा उसी की बात मानी जाएगी। अभी बोलने का कोई फायदा नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, आंसर के साथ अपना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोर्ट्स कर देना। तो फटाफट निकालो। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। कल का चांद देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा? बालकनी या छत है तुम्हारे पास? क्या ई सेल को मैं ये लिख सकता हूं? हाँ आदित्य बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा था। ई सेल को मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे देखो कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एज एनोड है एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड एज कैथोड लिया गया है। तो सेल पोटेंशियल को हम नर्स इक्वेशन भी लगा के कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन वाला प्लस कैथोड का रिडक्शन वाला। यहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो यहाँ भी नॉट के बिना वाली वैल्यू आएगी। और अगर हाइड्रोजन का प्रेशर 1 हो तो ये भी बताया था, शी के ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल को तुम 0.0591 इंटू पीएच लिख सकते हो, याद है? ये फॉर्मूला याद रखना, काफी काम आता है, 0.0591 इंटू पीएच। क्वेश्चन जल्दी करवा देता है, बार बार इक्वेशन नहीं लगानी पड़ती है। अब बस दो केसेस हैं, पहले केस में पोटेंशियल है 612 मिली वोल्ट जब सॉल्यूशन की पीएच हमें नहीं पता है और कैलोमल का कुछ वोल्टेज रहा होगा। दूसरे केस में पोटेंशियल हो गया 741/1000, इस टाइम पीएच पता है। अब यहां पे बफर सॉल्यूशन हो गया है जिसकी पीएच 6.8 है, कैलोमल का पोटेंशियल अभी भी उतना ही रहेगा। दोनों का डिफरेंस ले लो, माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 612 -741/1000 इज इक्वल टू 0.06 इंटू पीएच -6.8। तो पीएच -6.8 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली -2 के आसपास पीएच आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4.8 के आसपास। नहीं, ई सेल को मिली वोल्ट में नहीं रख सकते बिकॉज ये सारे वैल्यूज हमने वोल्ट के लिए निकाले हुए हैं। ये जो वैल्यू है ये वोल्ट के अकॉर्डिंग में आती है, तो वोल्टेज को मिली वोल्ट में नहीं रख सकते। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर पहले नहीं निकाल पाया? जो भी क्वेश्चन आया था चैलेंज दे दो, पता नहीं तुम लोग करते नहीं हो। बकेट चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे, 10 ईयर चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे, क्वेश्चन का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो।
सबको क्लियर क्वेश्चन की अप्रोच? सबको क्वेश्चन की अप्रोच क्लियर है? तो देखो ये सारी चीजें तुम्हें अब धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चन करने के तरीके हैं जो समझने हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि तुम पूरी सेल रिएक्शन लिखो। एक बार एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, सेकेंड टाइम में एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नोन है, सारी चीजें सेम है, अगेन डिफरेंस लोगे पीएच आ जाएगी। थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा वो तरीका। बस कभी भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो तुम हमेशा एनोड कैथोड की रिएक्शन से जा सकते हो, ये वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल, वेरी गुड अंजलि। इकबाल सर की क्लास आज शायद 2 बजे से है ना, वो कुछ टाइमिंग की एरर आ गई थी। 2 बजे से क्लास है आज शायद, एक बार देख लेना। मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर अभी क्लास के बाद, याद से मैं लिंक भेज दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल देखो क्या होती है। ऐसी सेल जहां पे जो एनोड का मटेरियल है और कैथोड का मटेरियल तो 2 बजे नहीं होगी, फिर उनकी क्लास के टाइम देखना पड़ेगा। एनोड और कैथोड का मटेरियल, ये दोनों ही मटेरियल सेम होते हैं, तो अगर इस टाइप की सेल का तुम ई सेल लिखो, ई नॉट कैथोड रिडक्शन प्लस एनोड ऑक्सीडेशन, अगर कैथोड वाला रिड्यूसिंग पोटेंशियल एक्स वोल्ट है तो ऑब्वियसली सेम मटेरियल होने पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल रहेगा तो सेम, रिडक्शन वाला पॉजिटिव एक्स है तो ऑक्सीडेशन वाला माइनस एक्स होगा, और नेट पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, ये बात ध्यान रखनी है, सिर्फ हाइड्रोजन वाले के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो बातों को कि हमेशा यहां पे हमें ई नॉट सेल जीरो मिलेगी बिकॉज मटेरियल सेम है। लेकिन अगर इन दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ई वैल्यू बदल जाएगी, ई नॉट तो नहीं बदलेगी लेकिन ई वैल्यू बदल जाएगी, और उस केस में हमें एक वोल्टेज का डिफरेंस मिल जाएगा या सेल बन के मिल जाएगी। तो ऐसी सेल जहां पे पोटेंशियल आता है ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसी सेल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। बिल्कुल आयुष, ईसी माइनस ईए से भी दिखा सकते हो यही चीज, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड बोथ इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो जीरो आ जाएगी, उससे भी दिखा सकते हो। ठीक है, समझो बात को, फिर से देख लो एक बार और स्क्रीन पे ध्यान दो कि ऐसी सेल्स, एक सेल बना ही लेते हैं याली जिसको आगे समझना है। सपोज यहां पे क्लोरीन गैस है, यहां पे भी क्लोरीन गैस है, और सॉल्यूशन तुम्हारे पास केसीएल का है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, एंड ये बन गई तुम्हारी एक सेल वोल्ट मीटर बीच में। ठीक है, ईआर माइनस ईएल से नहीं, हाँ ईआर माइनस ईएल से भी कर सकते हो, ई सेल के सारे फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, बस कोई सा यूज करो। तो यहां पे अगर हम ई नॉट की बात करें, ई नॉट ऑफ सेल, देखो दोनों में मटेरियल सेम है, यहां भी Cl2 और Cl माइनस का पेयर बनेगा, यहां भी Cl2 और Cl माइनस का पेयर बनेगा, तो E नॉट सेल आएगा E नॉट कैथोड इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन
प्लस ई नॉट एनोड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कैथोड पे का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो आएगा ई नॉट Cl2 से Cl माइनस की वजह से, और एनोड पे पोटेंशियल आएगा ई नॉट Cl माइनस से Cl2 की वजह से इस डायरेक्शन में। तो अगर Cl2 से Cl माइनस प्लस एक्स होगा तो ऑब्वियसली इसकी रिवर्स प्रोसेस के लिए माइनस एक्स आएगा, और ई नॉट वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। समझ में आई बात संध्या? दोनों फॉर्मूले में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसी वजह से कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट हमेशा जीरो मिलेगा तुम्हें, कोई भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेवलप नहीं होता वहां पे। क्लियर? बट अगर यहाँ पे प्रेशर में चेंज कर दें, सपोज क्लोरीन गैस का प्रेशर चेंज कर दिया जाए, तो उस केस में अगर तुम देखोगे कि यहाँ का प्रेशर की वजह से ई वैल्यू अलग आएगी, ई नॉट तो अलग था बट ई बदल जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर की वजह से ई अलग आएगा, तो प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करने लगेगा, तो ऐसी सेल को नाम दिया गया कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है आयुष, ईसी माइनस ईए से भी कर दूंगा क्वेश्चन, किया था वैसे पिछली क्लास में। जैसे देखो यहां पे अगले पेज पे ले रहा हूं कि मान लो Cl2 P1 वाला एंड Cl2 P2 वाला था, सोल्यूशन में सी एल माइनस था, सेम मान लेते, तो ये वाला एनोडिक साइड है, ये कैथोडिक साइड है। हाँ यही होगा, एनोडिक रिएक्शन अगर लिखी जाए ऑक्सीडेशन 2 Cl- से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 एट प्रेशर P1। कैथोडिक रिएक्शन लिखी जाए देन Cl2 से 2 Cl- प्रेशर P2। सेल रिएक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम इलेक्ट्रोलाइट था दोनों तरफ, ये सेम था, Cl2 से बना Cl2, प्रेशर P2 प्रेशर P1। नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे -0.06/2 बिकॉज अब n 2 था, लॉग P1/P2, या फिर 0.06/2 लॉग P2/P1। देख रहा है, तो अगर P1 P2 सेम नहीं है, इफ P1 P2 आर नॉट इक्वल देन देयर वुड बी अ पोटेंशियल, ई सेल डेवलप हो जाएगा। साहिल ई इसलिए कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि P1 P2 अलग अलग थे, अगर P1 P2 सेम हो जाते तो log 1 0 बन जाएगा और उस केस में सेल का पोटेंशियल जीरो आएगा। समझ में आ रही बात? तो सेल में पोटेंशियल तभी तक रहेगा जब तक दोनों तरफ प्रेशर में डिफरेंस रहेगा। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए एन इज इक्वल टू 2 लिया है। समझ में आई सबको बात? निदा देखो इधर कि ई सेल की बात करें तो ई सेल होता है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू पे, और ई नॉट सेल की बात की जाए तो वो तब होता है जब कॉन्सेंट्रेशन 1 हो या प्रेशर 1 atm हो। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में तो हम इस चीज को बदल ही नहीं सकते हैं, बट नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू में हम कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले सकते हैं। तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन P1 था और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर P2 था, जब तक ये P1 P2 अलग अलग रहेंगे लॉग वाला टर्म जीरो नहीं आएगा और हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिल जाएगा। बट जैसे ही P1 P2 वाले टर्म भी इक्वल हो गए, यानी दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, उस केस में log 1 0 हो जाएगा और सेल में पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें पोटेंशियल सिर्फ तभी तक आता है जब तक दोनों साइड में कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर डिफरेंट रहता है। आई बात समझ में? समझ में आई बात सबको? नाम देख रहे हो कि ऐसी कॉन्सेंट्रेशन सेल जहां पे इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, जहां पे डिफरेंस कहां पे, इलेक्ट्रोड में, उसको कहा गया इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल।
और ऐसी कॉन्सेंट्रेशन सेल जहां पे इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस होगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है गौरव, ये इसके लिए आएगा जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो C1 बाय C2, वो इसके लिए आएगा। फॉर्मूला भी समझना है। ये तो देखो यहां पे एनोड को मैंने P1 वाला एनोड माना था एंड P2 वाला कैथोड माना था। एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखाया, कैथोड पे रिडक्शन दिखाया। जो चीजें सेम है वो कैंसिल आउट हुई, जो चीजें डिफरेंट थी वो बच गई। तो नर्स्ट इक्वेशन लगाई राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, P1 बाय P2 आ गया। समझ में आ गई बात? यानी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ई सेल आएगा, जैसे अभी क्लोरीन वाले के लिए निकाला था वैसे ही, 0.0591 लॉग, यहां पे आया था P2 बाय P1, तो यहां पे आएगा P1 बाय P2। समझ में आ रही बात क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे रिएक्शन में H2 से H+ ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन वाले के लिए आया था यहां भी 2 आएगा। विवेक रिएक्शन लिख के देखो ना, P1 बाय P2 अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिएक्शन लिख के देखो, अपने आप समझ में आएगा। एनोड कैथोड देख रहे हो, रिप्रेजेंटेशन तुम्हें मैंने दे दिया है, ये वाला एनोड है एंड ये वाला कैथोड है। एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखो, जो लेफ्ट में आए उसे नीचे, जो राइट में आए उसे ऊपर। तो P1 P2 में अगर डाउट आ रहा है कि P1 P2 कैसे आ रहा है, तो प्रेशर हमने लिखना देखा हुआ है। एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखो, जो राइट साइड में आए उसको ऊपर रख दो, जो लेफ्ट साइड में आए उसको नीचे रख दो। ठीक है, नेगेटिव साइन की अगर बात की जाए तो माइनस लॉग ए को तुम लॉग 1/a लिख सकते हो, माइनस को अंदर भेज के। तो वही मैंने काम किया यहां पे, एक्चुअल में आया था P1 बाय, देखो यहां पे क्या आया था P1 बाय P2, माइनस को अंदर भेज के मैंने उसे उल्टा कर दिया P2 बाय P1, इसलिए माइनस साइन गायब हो गया। समझ में आई बात? देखो इसको होल्ड करो, ये वाली सेल देखो, फिर थोड़ा बहुत आइडिया अपने आप क्लियर होगा। तुम लोग प्रेशर के टर्म में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, इसीलिए मैंने दूसरी साइड नेगेटिव नहीं लगाया। दीपक, हाइड्रोजन वाले की जब रिएक्शन लिखोगे ना, तो रिएक्शन में अपने आप तुम देखोगे उल्टा आएगा। यहां पे ऑक्सीडेशन होगा H2 से H+, और यहां पे ऑक्सीडेशन था Cl- से Cl2, दोनों में डायरेक्शन बदल रही थी। H2 वाली रिएक्शन को लिख के देखो, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि P1 बाय P2 क्यों आ रहा है। अभी तुम ही लोग से लिखवाता हूं उनको। संध्या, दीपक, गौरव, एक मिनट रुको, पहले इस सेल को समझो, फिर हाइड्रोजन वाला काम तुमसे कराता हूं। देखो यहां पे एनोड है, ये कैथोड है, सबको दिख रहा है। एनोड की हमने रिएक्शन लिखी जिंक सॉलिड से जिंक 2+। स्टेप देखो कि मैं सारे स्टेप कैसे कर रहा हूं। पहले मैंने एनोड की रिएक्शन लिखी, जो जनरल मेथड है वही फॉलो करता हूं हमेशा। कैथोड की रिएक्शन लिखी, समझ में आई ये बात? यहां पे Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन है C1 और कैथोड वाले Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन है C2। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो सॉलिड वाला टर्म चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला टर्म चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म बच जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाए ई सेल, ई नॉट सेल अभी भी जीरो होगा, 0.0591/2 लॉग राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो C1 बाय C2 आया, माइनस साइन को अंदर भेज दो,
तो ई सेल बनेगा 0.0591/2 लॉग C2/C1। बताओ ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आया? हाँ सल्फेट काउंट आयन है ना, सल्फेट इज काउंट आयन। हाँ विवेक, प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड। अब ये समझ में आ गया, तो सेम प्रोसेस इस वाली सेल के लिए करो। सेम प्रोसेस सब लोग अपनी कॉपी में इस वाली सेल के लिए करो। अपने आप तुम्हें क्लियर होगा P1/P2 आएगा या P2/P1 आएगा। सेम चीज इस वाले के लिए। और ध्यान रखना कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल आए रिजल्ट को याद मत कर लेना, रिजल्ट याद करोगे तो गलती होने के चांसेस हैं। इस वाली सेल के लिए रिएक्शंस लिखो और फिर उसको सॉल्व करो। ये वाला नेगेटिव तो फॉर्मूले में ही है हुई, ई सेल इज इक्वल टू नेक्स्ट इक्वेशन में ही है, ई नॉट सेल -0.0591/n। तो ये नेगेटिव फॉर्मूले में ही आया है, मैंने कोई भी नेगेटिव अपनी तरफ से नहीं लिया, ये फॉर्मूले का ही नेगेटिव है। ठीक है हुई? एनोड पे बना H2 से H++ इलेक्ट्रॉन। देखो विवेक दिक्कत क्या है इसमें, यहां हाइड्रोजन से H+ ऑक्सीडेशन और यहां H+ से H2 रिडक्शन। विवेक ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? ये हाइड्रोजन है P2 वाला कैथोड वाला और ये हाइड्रोजन है P1 वाला, ऐड कर दो H2 बचेगा और H2 बचेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दिस वन इज P1 दिस वन इज P2। नेक्स्ट इक्वेशन। विवेक प्रेशर वाले में क्यों दिक्कत आ रही है? प्रेशर वाले में दिमाग पे प्रेशर मत लो, वही चीज फॉलो करो जो हम कर रहे थे यहां पे पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में की थी। राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड, साइन को अंदर भेज दो प्लस हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, एक्सप्रेशन में डाउट लगा तो खुद कॉपी में लिख के करो, अपने आप क्लियर हो जाएगी चीजें। P1/P2 आ गया, यहां ऐसे समझ में आ जाएगा P2/P1 क्यों आया। सबको क्लियर? बढ़िया। अब देखो यहां पे ई सेल पॉजिटिव होने के लिए, ई सेल पॉजिटिव होने के लिए लॉग के अंदर वाला 1 से बड़ा होना चाहिए। दैट मींस कैथोडिक प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन एनोडिक प्रेशर, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ई सेल पॉजिटिव होने पे ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। ई सेल पॉजिटिव होने पे ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो ई सेल पॉजिटिव होगा तो प्रेशर कैथोडिक का ज्यादा होना चाहिए एनोडिक प्रेशर से। यहां पे देखो ई सेल पॉजिटिव लेने के लिए एनोडिक का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कैथोडिक से। तो क्वेश्चन में कंडीशन पूछ लेते हैं रिएक्शन देख के कि P1 P2 में से कौन सा ज्यादा हो। कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमेशा तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सी साइड में प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन वाली कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए एनोडिक प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन कैथोडिक, क्लोरीन वाली के लिए कैथोडिक प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन एनोडिक, जबकि दोनों ही एक ही टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी इलेक्ट्रोड वाली है ये भी इलेक्ट्रोड वाली है, दोनों ही सेम टाइप की कॉन्सेंट्रेशन सेल है फिर भी दोनों की कंडीशन अलग अलग आ रही है। इसलिए कह रहा हूं कि कंडीशन को याद मत कर लेना, या याद करना तो सेल के साथ याद करना, कोई दूसरी सेल देते हैं क्वेश्चन में तो उसके लिए कंडीशन को फाइंड करना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
समझ में आई बात। और यहां पे देखो अगर ई सेल पॉजिटिव आना है तो सी टू यानी कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन, इस वाले के लिए कैथोड वाला कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एनोड वाले कॉन्सेंट्रेशन से। तो हर सेल के लिए ये कंडीशन तुम निकाल सकते हो रिएक्शन लिख के उस इक्वेशन बना के। सबको क्लियर है बात? सबको क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फटाफट ये वाला क्वेश्चन, फटाफट ये वाला क्वेश्चन कर लो। और कॉन्सेंट्रेशन सेल हमेशा तुम्हें खुद कंस्ट्रक्ट करनी होगी, क्वेश्चन में बताएंगे नहीं एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, तो तुम्हें हमेशा डिसाइड करना होगा कि कैसे तुम पॉजिटिव ला सकते हो। विवेक फिर देखो तुमने जनरलाइज कर लिया, फिर तुमने जनरलाइज कर लिया विवेक। अभी मैंने बताया कि हर टाइप की सेल में कंडीशन अलग अलग आती है, किसी में कैथोड वाला ज्यादा होना चाहिए किसी में एनोड वाला। दीपक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में P1 अगर गैस का प्रेशर है तो C1 गैस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और हमने C1 लिया था जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन। आयन के लिए तुम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते हो, इसके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये एक्वस आयन है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तुम गैस के लिए लगा सकते हो। तो विवेक चीजों को जनरलाइज इतनी जल्दी मत किया करो, पहले बहुत सोचा करो, और कोई भी स्टेटमेंट जनरल होने से पहले ध्यान देना कि वो 100% जगह वैलिड है या नहीं है। एक जगह भी वैलिड नहीं है तो गया काम से। देखो ऐसे कुछ है, पता है मैं कैसे करता हूं, जैसे तुम लोग कहते हो वैसे ही। ये याद रखने की जरूरत नहीं, C1 बाय C2 आएगा, C2 बाय C1 जो भी आएगा निकाल लो, या तो या ये ध्यान रखो कि तुम्हें इसको पॉजिटिव करना है, और इसके पॉजिटिव होने के लिए बड़ा वाला कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और छोटा वाला कॉन्सेंट्रेशन नीचे। तो न्यूमेरिकल करते टाइम हमेशा ऐसे कर सकते हो, ऐसे ना करना चाहो तो लेट अस अज्यूम वन इज अ एनोड एंड वन इज कैथोड। दीपक बस अभी मैं तरीका बता रहा हूं, तो अपना सॉल्व करते रहो, जिसको मन करे एनोड मान लो, जिसको मन करे कैथोड मान लो, अगर सेल में नहीं मेंशन्ड है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो जो मन करे एनोड मानो, जो मन करे कैथोड मानो। ध्यान भी मत दो कि तुम किसका कंसंट्रेशन कितना ले रहे हो, चुपचाप आंख बंद करके ई सेल निकालो, चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, आंसर पॉजिटिव बताओ। तो अगर किसी को भी डाउट होता है कि एनोड कैथोड पहचान नहीं पा रहे हैं या टाइम लग रहा है, log3 0.47, अगर किसी को भी डाउट होता है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं एनोड कैथोड या इस चीज में टाइम लग रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सेल में ये वाला तरीका भी कर सकते हो। किसी को भी एनोड माना, किसी को भी कैथोड माना, आंसर चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, उसे पॉजिटिव करके बता दिया। या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लाने में ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई बार बदल सकते हैं। यहाँ पे 2+ था इसलिए मुझे पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और नीट में ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं इसके अभी तक वो कंडीशन वाले आए हैं कि C1 C2 में क्या बड़ा होना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं आया नीट में आज तक। JEE में आया है, नीट में अभी तक तो नहीं आया है।
सी ऑप्शन। समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलो सब निकाल ले अच्छे अच्छे आंसर। अब आती है सेल की सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम के वक्त लॉग वैल्यू कुछ याद रखनी तुम्हें। दीपक, कॉन्सेंट्रेशन सेल हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है या गैल्वेनिक सेल हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है? तो अगर सेल तुम्हें क्वेश्चन में बना के नहीं दी गई है, अगर क्वेश्चन में दी गई तो उसके अकॉर्डिंग करो, बट अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हमेशा सेल ऐसे बनाई जाएगी कि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आए, लेकिन तभी जब क्वेश्चन में नहीं दी गई है। आई थिंक सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसी फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। दिस वन इज बेसिकली वोल्टेज एंड एन इनटू एफ इज चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इनटू एफ बन जाता है टोटल कितना चार्ज पास हुआ। नहीं ऋषिक, अगर सारे ऑप्शन पॉजिटिव नहीं होते तो भी कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम लोग पॉजिटिव ही आंसर बताते हैं। ऋषिका, अगर सारे ऑप्शन पॉजिटिव नहीं होते तो भी कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में हम पॉजिटिव आंसर बताते हैं, निगेटिव वाले को छोड़ देते। कॉन्सेंट्रेशन सेल अगर दी गई तो हम पॉजिटिव ही बनाएंगे क्योंकि स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल या किसी भी सेल में तुम डिसाइड नहीं करते एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा। तुम्हारे पास दो कंपार्टमेंट है, तुमने दोनों को मिला दिया, अब अपने आप एनोड कैथोड डिसाइड होते हैं, ठीक है? इस अपने आप एनोड कैथोड डिसाइड होंगे, तो अपने आप डिसाइड होगा हमेशा स्पॉन्टेनिटी के अकॉर्डिंग, यानी डेल्टा जी निगेटिव करने के अकॉर्डिंग। हाँ, एरर वाले क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर नहीं मिलते हैं, बोनस क्वेश्चन। लॉग की कुछ सारी वैल्यू याद नहीं रख सकते लेकिन कुछ वैल्यू याद रख सकते हो। बताया था नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में भी तुम हमेशा पॉजिटिव आंसर बताओगे। बिल्कुल आयुष सही कह रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन सेल जब भी हम बताएंगे, देखो अभी देखते हैं समझ में आएगी बातें क्यों हम पॉजिटिव बता रहे हैं। डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल, एक हेल्मोर्ट्स इक्वेशन आती है, जेई वाले बच्चों को जरूरत है इसकी, नीट वालों को नहीं, कि चेंज इन एंट्रोपी होता है माइनस डेल डेल जी बाई टी, यानी टाइम डिपेंडेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी का निगेटिव को बोलते हैं एंट्रोपी, और उसी को गिब्स इक्वेशन में के इक्वेशन बन जाती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसको एज इट इज याद रखना है, ठीक है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डेल्टा वी है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वर्क डन चार्ज इनटू वोल्टेज, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इनटू वी, क्यू इनटू वी, अलग अलग फॉर्मूले पढ़े होंगे। और अगर बात करें इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी यूजफुल वर्क नहीं होता, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल और डेल्टा जी दोनों ही जीरो होते हैं। पी कांस्टेंट प्रेशर को दिखा रहा है कि ये जो टेम्परेचर को डिफरेंशिएट किया गया है प्रेशर को कांस्टेंट मान के, पार्शियल डिफरेंशिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ई नॉट सेल आ जाता है। ऑलरेडी फॉर्मूले पढ़ चुके से ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इनके, कुछ फॉर्मूले थर्मोडायनेमिक्स में भी देखे हैं, कुछ यहां भी देखे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने डेल्टा जी को बहुत अच्छे से समझा था, फ्री एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, याद है ना? किसी भी सिस्टम से हमें मैक्सिमम कितनी फ्री एनर्जी मिल सकती है, तो कभी भी कहा जाए सेल से कितना मैक्सिमम वर्क मिलेगा, तो वो मैक्सिमम वर्क हमेशा डेल्टा जी होगा। सेल से अगर पूछा जाए कितना मैक्सिमम वर्क मिल सकता है, तो दैट इज ऑलवेज डेल्टा जी।
समझ में आई यहां तक की बात? समझ में आई? देखो कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान देना। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन एफ डेल बाय डेल टी ऑफ ई सेल, और इसी को आगे चल के तुम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहोगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल वोल्टेज। टेम्परेचर ग्रेडियंट बेसिकली मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रिपीट कर देता हूँ पीछे वाले फॉर्मूले, सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं नया, सिर्फ एक ये वाला मैं फॉर्मूला नए में यूज कर रहा हूं। डेल बाय डेल टी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी डेल जी इंटू पी। सिर्फ ये एक नया फॉर्मूला है, इसको अभी एक्सप्लेन कर दे फिर से। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल था, और डेल्टा जी की जगह यहां पे माइनस एन एफ ई सेल रख दो, तो तुम्हें डेल्टा एस मिल गया या नहीं मिल गया? देन तुम्हारे पास होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच आ जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी और डेल्टा एस की जगह ये ऊपर वाले फॉर्म ले रख दिए, डेल्टा एच मिल गया। तो डेल्टा यू निकाल सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये जो साइन है ये डेल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो डेल का साइन मैं बना रहा हूं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। तो डेल्टा यू आ जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एच के तुम पूरा ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अब देखो बातों को, कि अगर तुम्हें सेल वोल्टेज और सेल का टेम्परेचर ग्रेडियंट पता है तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स आ गई, तुम सारे पैरामीटर निकाल सकते हो। डेल्टा जी निकाल सकते हो, डेल्टा एस निकाल सकते हो, डेल्टा एच निकाल सकते हो, और या डेल्टा यू निकाल सकते हो। और पांचवा, ई सेल की मदद से, ई नॉट सेल की मदद से तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। समझ में आए पांचों फॉर्मूले? देखो नीट वाले बच्चों को सिर्फ ये वाला और ये वाला फॉर्मूला समझना है, पहला और पांचवा। पहला फॉर्मूला कि डेल्टा जी कैसे निकालेंगे सेल की मदद से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे ई सेल की मदद से। ये बीच वाले जो तीन फॉर्मूले हैं ये जेई के बच्चों के लिए हैं, जेई में पूछे जाते हैं कि अगर तुम्हें ई सेल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ग्रेडियंट पता है तो डेल्टा एस निकाल सकते हो इस वाले हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से। इसकी प्रूविंग नहीं है, ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रख ली जाती है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इधर वाले फॉर्मूले में कोई डाउट है? तो बस मैंने इतना बताया कि डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, एंड डेल्टा एस होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसी को गिब्स इक्वेशन में रख दो तो ये वाली इक्वेशन मिल जाती है, इस वाली इक्वेशन में रख दिया। आई बात समझ में? क्लियर सबको? अब थर्ड वाली इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला देखो, मोमोज या जो भी नाम है, सॉरी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस है। तो डेल्टा जी की जगह हमने रख दिया माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल,
डेल्टा जी की जगह, और डेल्टा एस की जगह रख दिया प्लस एन एफ डेल बाय डेल टी ऑफ ई सेल, प्लस एन एफ डेल बाय डेल टी ऑफ ई सेल। समझ में आ गई बात? एक्चुअली मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे बच्चों की शक्ल और नाम बहुत मुश्किल से याद रहते हैं, कैन नॉट हेल्प इट। अब स्पॉन्टेनियस होने के लिए, अच्छा यश नाम है, ओके, तो उसने अपना यूजर नेम इतना बेकार क्यों रखा हुआ है? यश रख लेता इतना अच्छा यूजर नेम होता। यश तुम्हारा यूजर नेम यश क्यों नहीं है? चेंज करो उसे। अच्छा ये देखो शिव सुंदर ये देखो, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, तो जब तुम इस वैल्यू को रखोगे माइनस के साथ तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इसलिए सेकंड वाले फॉर्मूले में प्लस साइन आया था। चलो देखो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव। तो जितनी भी गैल्वेनिक सेल बनेंगी सबका ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। सबका ई सेल कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेशन सेल में पॉजिटिव पोटेंशियल लेके चल रहे थे। समझ में आ गई बात? अच्छा ठीक है, अब तुम लोग शुरू हो गए। सबको समझ में आ गया? क्या सबको क्लियर है? बताओगे ही नहीं अब? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, फटाफट बता दो। दीपक एक बार सारे फॉर्मूले खुद से लिखने देना, हमने तुम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में अगर नहीं देते तो एक बार थर्मोडायनेमिक्स देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने थर्मोडायनेमिक्स के टर्म ही यूज किए हैं। अच्छा आंसर निकाल भी लिया। ये हमारा है कैथोड और ये बना है एनोड, तो ई नॉट सेल आएगा एनोड प्लस कैथोड, ये रिडक्शन फॉर्म में दिया है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन फॉर्म में, यानी 0.14 प्लस 0 इज इक्वल टू 0.06/2 लॉग के। तो लॉग के आ जाएगा 0.14/0.03 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ जाएगा 4.66 एंटी लॉग 4.66, तो एंटी लॉग 0.66 इंटू 10^4, तो 10^4 इस वाले ऑप्शन मिल रहा है, ये हो जाएगा आंसर। एंटी लॉग नहीं निकालना आता है, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट करना आना चाहिए कि एंटी लॉग के साथ जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 10^10 बन जाता है सीधे। एंटी लॉग 4 है 10^4, एंटी लॉग -5 है तो अगला नंबर 10^-6। वेरी गुड रूही, देखा था मैंने, तुम्हारा आंसर सही भी था। ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओ, फटाफट कर दो ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। आज होपफुली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू की जा सके। ठीक सबके गलत है आंसर, जितने अभी तक बताया सबके आंसर गलत है, तो कुछ लोग ने हिट एंड ट्रायल लगा के बता दिया। यश ने नाम चेंज कर लिया, वेरी गुड यश, अब वही ना बात, अब कितने अच्छे और प्यारे बच्चे लग रहे हो तुम। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए
डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, ई सेल्फ शुड बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव अगर आ रहा है तो लॉग के अंदर वाला शुड बी ग्रेटर देन वन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन वन. तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन वन. समझ में आई बात? ऑप्शन डी. तो ये तीनों कंडीशन याद रखी जाती हैं, तीनों को यूज कर सकते हो. ये वाला क्वेश्चन कर लेना खुद से, कुछ है नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाना है. तो ये वाला खुद से कर लेना, कर लोगे ना, बताने की जरूरत तो नहीं है इसको, समझाने की या बताने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे सब लोग. डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है. रिएक्शन नहीं दी हुई है तो एन की जगह बस वन ले लेना. रिएक्शन नहीं दी हुई है तो एन की जगह वन ले लेना. ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको समझते हैं. पहले तो ट्राई करो इसे खुद से, फिर से समझाता हूं. कुछ लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी किए होंगे तो एक बार खुद से ट्राई करो. आयु जो कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो हो सकता है आगे वाले कॉन्सेप्ट के हो, इसलिए ना हो रहे हो. आई डोंट थिंक कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बचेगा. कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें लिमिटेड ही होता है कॉन्सेप्ट, उससे बाहर नहीं आता है. दीपक एन की वैल्यू वन ले लेना. देखो समझो बात को, किसी भी सॉल्यूशन में जो ई वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो E वैल्यू एडिटिव नहीं होती है. सी आंसर गलत है, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड डी इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. अब क्यों बताऊंगा, एक आंसर मुझे फाइनल बताओ. चलो देखो समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो फिर क्वेश्चन में तुक्केबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे पहले कॉन्सेप्ट अब समझो मेरी बात को, कि ये सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो E की वैल्यू है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है. तो E वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते कभी भी, ये ध्यान रखना, ये एडिटिव नहीं होती अलोन. जैसे तुम डेल्टा एच को ऐड कर सकते हो, एडिटिव होता है. डेल्टा जी को ऐड कर सकते हो, दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उनके डेल्टा जी भी ऐड हो जाएंगे. डेल्टा एस को ऐड कर सकते हो, डेल्टा यू, ये सब एडिटिव फंक्शन है कि अगर दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो उनके डेल्टा वैल्यू भी ऐड अप हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन ई हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए, ये सब नॉन एडिटिव होते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में याद होगा कि जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अब देखो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है. तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके किए जाते हैं. तो एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा हूं और फिर छोटा तरीका बताता हूं कि पहले रिएक्शन का वोल्टेज मान लिया एक्स वोल्ट, डेल्टा जी आएगा माइनस एन एफ ई, एफ ई टू प्लस राइट साइड में चाहिए तो इसको रिवर्स कर दिया. लेट्स से इसका वाई वोल्ट है तो रिवर्स करने पे वोल्टेज का साइन बदल जाएगा,
ध्यान देना जो लोग क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, डेल्टा जी आ जाएगा माइनस एन एफ ई, साइन बदला तो यहां पे वाई का भी साइन बदल के माइनस वाई हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी एफ ई थ्री प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एफ ई टू प्लस, ठीक है। डेल्टा जी आएगा माइनस थ्री एफ एक्स प्लस टू एफ वाई, और इसकी जगह रख सकते हो माइनस एन एफ ई, ई आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू वाई अपॉन वन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं साथ में, ठीक है, समझ में आई बात। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं फाइनल वोल्टेज में, तो इसको समझो पहले कि तुम रिएक्शंस की डेल्टा जी ऐड कर सकते हो, और ई सेल को जब भी ऐड किया जाएगा हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में आएंगे, तो जहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, कि क्वेश्चन देख के तुम्हें ये पहचानना होगा कहां पे क्या लगाना है, जहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है वहां पे तुम्हें ये बात का ध्यान रखना होगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं निदान नीट में डायरेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जब हम हाफ रिएक्शन को ऐड करके एक सेल बनाते हैं, हाफ रिएक्शन को ऐड करके एक सेल बनाते हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम सेम कर देते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम कर दिया जाएगा तो सेल के लिए सारे एन कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम कैथोड प्लस एनोड लिख सकते हैं। विवेक, N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 हो ऐसा जरूरी नहीं है, N3 कुछ भी हो सकता है, N1 N2 कुछ भी हो सकते हैं, समझ में आई बात यहां तक सबको, इतनी ये डिफरेंस समझ में आया दोनों प्रोसेस में, कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एड अप नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऐड कर सकते हो। वही तो बता रहा हूं दीपक, कि अगर तुम रिएक्शन को ऐड या माइनस करोगे तो उनके वोल्टेज ऐड या माइनस नहीं होंगे, अगर रिएक्शन को ऐड या माइनस करोगे तो उनके वोल्टेज ऐड या माइनस नहीं होंगे। देखो अब आती है बात याद रखने वाली, कि अगर तुम्हारे पास दो हाफ सेल हैं, ठीक है, दो तुम्हारे पास हाफ सेल हैं, और इनकी मदद से तुम एक थर्ड हाफ सेल बना रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लगाओगे डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा। जैसे यहां पे देखो, हाफ सेल हाफ सेल हाफ सेल, इलेक्ट्रॉन दिख गया तो हाफ सेल, तो दो हाफ सेल की मदद से थर्ड हाफ सेल के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे लगाओगे डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है। और अगर दो हाफ सेल से तुम एक कंप्लीट सेल बना रहे हो, तो यहां पे लग जाता है ई सेल वाला कॉन्सेप्ट, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो तुम कैथोड प्लस एनोड कर सकते हो, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो तुम कैथोड प्लस एनोड कर सकते हो, समझ में आई बात सबको, यहां तक की बात क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का छोटा तरीका समझो, चाहो तो इस फॉर्म में ले लो, चाहो तो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, तुम्हें Fe3+ चाहिए लेफ्ट साइड में, और Fe3+ यहां पे लेफ्ट साइड में ही है, सब लोग ध्यान देना, फिर डाउट बताता, पहले तरीका समझ लो, एक बार नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत आएगी लगाने में। जो चीज जिधर चाहिए उधर ही है, तो साइन बदलने की जरूरत नहीं है, यानी पोटेंशियल का साइन नहीं बदला जाएगा, लेकिन जहां से भी तुम पोटेंशियल वैल्यू को पिक कर रहे हो उस पोटेंशियल के साथ वहां के इलेक्ट्रॉन्स को भी पिक करो, इससे तुम्हारा आंसर डायरेक्टली एक लाइन में आएगा, ध्यान से देखना सब लोग। Fe3+ लेफ्ट साइड में था, Fe3+ लेफ्ट साइड,
विदाउट चेंजिंग द साइन पोटेंशियल ले लिया, और जहां से पोटेंशियल वैल्यू ली वहां से इलेक्ट्रॉन भी लिए। Fe2+ हमें चाहिए राइट साइड में, यहां पे है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट को राइट करने के लिए इस वाले पोटेंशियल का साइन बदलना पड़ेगा 0.44, और अगेन जहां का पोटेंशियल ले रहे हो वहां के इलेक्ट्रॉन भी साथ में लोगे, इनटू टू डिवाइडेड बाय जहां का पोटेंशियल निकाल रहे हो वहां के इलेक्ट्रॉन, इससे डिवाइड करोगे 1। देखोगे तो वही इक्वेशन बनी, 3x-2y/z। हाँ पूजा, ऑल ओवर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लेके चलना है E को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पाथ फंक्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए ऋषिका जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना हो हम डायरेक्टली ऐड माइनस नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा D। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, कितना भी आसान क्वेश्चन हो, इससे कर सकते हो एक लाइन में। आगे क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है, सबको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जहां का पोटेंशियल वहां का इलेक्ट्रॉन, साइन बदलना है नहीं बदलना है लेफ्ट राइट से देख लो। टू वाले को प्लस इसलिए किया बिकॉज ये लेफ्ट साइड में था और हमें राइट साइड में चाहिए, तो इसलिए इसका साइन बदलना पड़ेगा, इसको लेफ्ट से राइट बनाने के लिए माइनस की जगह पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक बार समझ गया अच्छे से तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, बस डिसाइड तुम्हें करना है कहां पे तुम ये वाली ट्रिक लगाओगे, कहां पे तुम अभी तक जो सीखा है वो लगाओगे, जो चीज हमने अभी तक सीखी वो कब लगाओगे और जो अभी सीखा है वो कब लगाओगे, ये तुम्हें डिसाइड करना है। वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम लोग तुक्का मत ना मार दो, सारे ऑप्शन थोड़ी गलत होंगे, वो तो जब ABC गलत बताया तो मैंने साथ में D को भी गलत बोल दिया, वरना इतने इंटेलिजेंट तो तुम लोग हो ही कि ABC गलत है तो D सही होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, पहले पार्ट का बताओ, सेकंड पार्ट देखा जाएगा, फर्स्ट पार्ट बताओ पहले। तब तक मैं तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन लिख भी देता हूं, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चाहिए। आ गया कॉपर वाले का, ओके मैं क्वेश्चन लिखने लग गया था। देखो चाहो तो ऐसे देख लो या दूसरा तरीका आप देखो रिप्रेजेंटेशन से भी, कॉपर प्लस से तुम्हें कॉपर चाहिए, कॉपर प्लस से चाहिए कॉपर, ये दिया हुआ है तुम्हें कॉपर 2+ से कॉपर, और ये दिया हुआ है तुम्हें कॉपर 2+ से कॉपर +1, राइट तो कॉपर की प्लस चाहिए तुम्हें पहले लेफ्ट साइड में,
लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में आ रहा है, साइन बदला जाएगा, -0.15। +2 से +1 गया एक इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आया। प्लस कॉपर चाहिए राइट साइड में, कॉपर राइट साइड में आ रहा है, साइन नहीं बदला जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन 2 है। डिवाइडेड बाय 1 कितना आया, 0.5 के आसपास आ रहा है ना, 0.53 वोल्ट। समझ में आई बात। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन तुम्हारी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन में कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर में रेडॉक्स करेगा, तो ये तुम्हारी बन गई पूरी सेल, और सेल में कॉन्सेप्ट लगेगा सेल वाला, कैथोड इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन प्लस एनोड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन। प्लस 1 से 0 जाना है इस कैथोड, और तुम्हें प्लस 1 से 0 का चाहिए, प्लस 1 से 0 अभी निकाला, प्लस 1 से 0 प्लस 0.53, प्लस प्लस 1 से 2 जाना एनोड, प्लस 1 से 2 जाना, साइन चेंज करना होगा, -0.15। पॉजिटिव आया, इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो ये डी ब्लॉक का एक फैक्ट है कि कॉपर प्लस एक्वस सॉल्यूशन में अपने आप डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ये डी ब्लॉक में ऐसा फैक्ट यूज होता है, कॉपर प्लस एक्वस सॉल्यूशन में अपने आप डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। समझ में आई सबको बात, सबको क्लियर है। और ये एक और फैक्ट आएगा कि आयरन 2 प्लस अपने आप डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है, इसको तुम यहां से निकाल सकते हो, इसका जो वोल्टेज है वो निगेटिव आएगा, इसका वोल्टेज निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आने का मतलब आयरन 2 प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन स्पॉन्टेनियस नहीं है, आयरन 2 प्लस इज स्टेबल इन द सोल्यूशन वाइल कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन द सोल्यूशन। सबको बातें सुनाई और समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सुमित क्या रिपीट करना है, बहुत सारी चीजें बताई भी, तो कौन सी बात रिपीट करनी है वो बता दो। हाफ वाला स्पॉन्टेनियस कैसे देखा, ये वाला या जब भी डी ब्लॉक का फैक्ट बताया वो वाला, क्या चीज रिपीट करनी है, जिन्हें समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन करो। जिन्हें समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन करो, क्रोमियम वाला। तो सुमित अभी ये बताया कि कॉपर प्लस के लिए जब तुम वोल्टेज निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन में कॉपर प्लस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे ही तुम सॉल्यूशन में कॉपर प्लस मिलाओगे अपने आप वो कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। और जब यही चीज तुम आयरन 2 प्लस के लिए निकालोगे तो उसका वोल्टेज निगेटिव आएगा, इसका मतलब आयरन 2 प्लस अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा और सॉल्यूशन में स्टेबल है, तो ये एज अ फैक्ट डी ब्लॉक में यूज होता है। देखो आगे देखते हैं, क्रोमियम वाला, बस ये ध्यान रखना कि जब तुम रिएक्शन को लिखते या बैलेंस करते हो तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस होते हैं, तो अगर रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ एटम अलग अलग हैं तो या तो हर जगह तुम 2 क्रोमियम एटम लेके चलो या हर जगह 1 क्रोमियम एटम लेके चलो, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री को बदलने से ई नॉट नहीं बदलेगा लेकिन बैलेंसिंग बदल जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, तो या तो हर जगह 2-2 क्रोमियम कर लो, जैसे मैंने हर जगह 2 कर लिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, या हर जगह 1-1 क्रोमियम कर लो,
एटम जरूर बैलेंस कर लेना, ठीक है। Cr2O7 चाहिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे है राइट साइड में, साइन बदलना पड़ेगा। 1.33, एक क्रोमियम एटम +3 से +6 में गया, तो इलेक्ट्रॉन यानी 3 आए। दो क्रोमियम एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तुम एक एक एटम करके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अगला चाहिए क्रोमियम 0, राइट साइड में, लेफ्ट साइड, साइन बदलना होगा। एक क्रोमियम एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 0 से 3+, तो दो क्रोमियम एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय एक क्रोमियम एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, दो क्रोमियम एटम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन। समझो आयुष, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम अलग अलग दिख रहे हैं तो रिएक्शंस में हमेशा हम एटम को बैलेंस करते हैं, तो या तो हर रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ एटम 1 रखो या हर रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ एटम 2 रखो, डिफरेंट एटम मत रखो। तो मैंने एज्यूम कर लिया हर रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ एटम 2 थे, नंबर ऑफ एटम बदलने से वोल्टेज नहीं बदलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलेंगे, और इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा। तो ये देखना होता ना, क्रोमियम आयन 2 है। समझ में आई बात आयुष, या फिर से बताऊं, सबको क्लियर है? इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा इस सेक्शन से। अब सॉल्व करके जितना गए हो तुम लोग जानो। 6 कॉमन ले सकते हो, 1.33 -0.74/2, हाँ 0.3 के आसपास। अच्छा छोटा तो पहले बता देते, मैं बड़ा करके लिख देता उसे थोड़ा, या पढ़ देता। Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन, क्रोमियम 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 3+। देखो एक बार फिर से देख लो, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाते हैं। हमें जो तीन रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, पहला रिप्रेजेंटेशन है Cr2O7 2 माइनस से Cr, ये पहला वाला है। दूसरा वाला है Cr से Cr3+, एंड तीसरा वाला है Cr3+ से Cr2O7 2 माइनस। अब ये देखो कि यहाँ पे क्रोमियम के दो एटम हैं और कहीं कहीं पे एक एक एटम दिख रहे हैं, तो हर जगह या तो हमने दो एटम किए, ठीक, या हर जगह एक एटम कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अब हमें चाहिए था Cr2O7 2 नेगेटिव, वो हमें सेकेंड थर्ड वाले रिप्रेजेंटेशन में राइट साइड मिल रहा है ये, तो राइट साइड के लिए थर्ड वाले का साइन बदला, माइनस की जगह हो गया 1.33। यहाँ पे क्रोमियम 3+, यहाँ पे +6, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3, एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो दो एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। अगला चाहिए था क्रोमियम एटम, क्रोमियम एटम सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में बट लेफ्ट साइड, इस वजह से सेकेंड वाले का भी साइन बदला, प्लस की जगह माइनस। सेकेंड वाले में भी देखो 0 से 3 3 इलेक्ट्रॉन, दो एटम है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन टोटल लिए जाते हैं, डिवाइडेड बाय यहां पे देखो +6 0, एक एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो दो क्रोमियम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन। फिर सॉल्व किया, आई बात समझ में आयुष? समझ में आ गया? देखो आ गया, ये वाला खुद से ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो, आसान क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना। ऋषिका, ऐसे क्वेश्चन तो मैं असाइनमेंट दे दिया दिया था शायद, या नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो भेज दूंगा आज, उसमें मिल जाएंगे। और एक तो खुद से भी प्रैक्टिस करना, सारे मैं ही बताऊंगा तो फिर करने के लिए बचेंगे नहीं क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चन का। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक गैल्वेनिक सेल का।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको पता होगी, जिसमें हम एलिमेंट्स को SRP के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तुम्हें बातें याद रखनी है समझ के कि हायर SRP है रिड्यूसिंग पावर, लोअर SRP ऑक्सीडाइजिंग पावर, हायर SRP एनोड, लोअर कैथोड, कैटायन विद हायर डिस्प्लेसेस, ये सारी बातें फालतू की। हाँ आयुष, बिल्कुल आएंगे सॉलिड स्टेट वाले क्वेश्चन से चैप्टर, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। देखो आगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास सबसे एंड में होता है लिथियम, जिसका SRP वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। समझ लो फैक्ट्स। आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हाइड्रोजन पे आते हैं एंड और आगे बढ़ते जाते हैं तो फाइनली हमें फ्लोरीन मिलता है, जिसका SRP वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये तुम्हें पता होगा कि जितना पॉजिटिव वोल्टेज होगा, पोटेंशियल जितना पॉजिटिव है, प्रोसेस उतनी ही फीजिबल है या नहीं है? जितना ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज उतनी फीजिबल प्रोसेस। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि सबसे आसानी से रिडक्शन फ्लोरीन का होगा। समझ में आ रही बात? सबको ये समझ में आ रहा कि सबसे आसानी से रिडक्शन फ्लोरीन का होगा ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा निगेटिव है तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि रिडक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत ही नॉन फीजिबल है। जितना निगेटिव उतना नॉन स्पॉन्टेनियस। और रिडक्शन होना अगर सबसे ज्यादा मुश्किल है तो उसका ऑक्सीडेशन होना सबसे ज्यादा आसान होगा। ऑक्सीडेशन होना सबसे ज्यादा आसान होगा। पूजा, ये हमारे पास ऑर्डर है, इसमें बीच में और भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ही रिडक्शन है। तो अब देख लो ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आयुष। अच्छा सॉलिड स्टेट वो भी पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझो, सुन लो, ये दो बातें समझ में आ गई तो पूरी सीरीज आसानी से हो जाएगी। चार एप्लीकेशन है, चारों आसानी से हो जाएंगे। ये समझ में आ गया सबको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जितनी आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीडेशन उतना आसान होता जाएगा, और जितनी आसानी से ऑक्सीडेशन होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो जितना तुम ऊपर की तरफ जाओगे रिड्यूसिंग पावर उतनी बढ़ेगी, और जितना तुम नीचे की तरफ आओगे रिडक्शन आसान होगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहले दो पॉइंट थे कि SRP वैल्यू, एक मिनट इसको सही कर लेना, एक्चुअली ये था उल्टा लिख दिया मैंने, जहां पे हायर है वहां पे लोअर होगा। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, हायर पोजीशन और लोअर पोजीशन। इसको एक काम को, इसको अभी रहने दो, इसका स्क्रीनशॉट में ले लेना, इसको मॉडिफाई करके मैं भेज दूंगा, इस चीज को मॉडिफाई करके भेज दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर लिया हो तो डिलीट कर देना परमानेंटली, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, अभी यहीं से समझ लो, इसी से याद रखना कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे रिड्यूसिंग पावर उतनी बढ़ेगी, और जितना नीचे की तरफ आएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी बढ़ेगी। ठीक,
और अगर ऊपर जाने पे ऑक्सीडेशन आसान हो रहा है, तो ऊपर जाने पे एनोड भी आसानी से बना लेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होना होता है। नीचे जाने पे रिडक्शन आसान हो रहा है, तो नीचे वाला कैथोड आसानी से बना लेगा। और ये ध्यान रखना, हम इधर से इधर जब आ रहे हैं तो SRP इंक्रीज कर रहे हैं, SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फैक्ट ये हुआ कि जितना ज्यादा SRP बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर और कैथोड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है शिव सुंदर, उससे थोड़ा मैंने मिसमैच कर दिया था, इस वजह से दोबारा से वो लिख के फिर बता दूंगा, इसलिए काट दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि SRP वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर और उतनी ज्यादा एनोड कैथोड बनाने की टेंडेंसी। SRP वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, उतनी ज्यादा एनोड बनाने की टेंडेंसी। जितना कम SRP, ये दोनों टेंडेंसी उतनी ज्यादा होंगी, और जितना ज्यादा SRP, ये दोनों टेंडेंसी उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है, समझ में आई यहां तक की बात? सबको क्लियर है यहां तक? सारी बातें इसी फैक्ट से आएंगी कि किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, किसका रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी आएगी ये चीज, वहां भी यही बात देखेंगे। अब देखो कि एक मेटल है और दूसरे मेटल का एनायन कैटायन है, इसी को तो हम बोलते हैं कि इस वाले मेटल ने इस वाले मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। इस टॉपिक पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे अभी, या आज मौका नहीं मिल पाया तो अगली क्लास में देखेंगे कि इस मेटल ने M1 को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां पे देखो M का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। M का क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी से बताओ। M का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड M1 का हो रहा है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन हमेशा लो SRP का होता है, जितना लो SRP उतना ऑक्सीडेशन। तो ये थर्ड पॉइंट आता है कि जिस भी कैटायन का SRP कम है वो डिस्प्लेस कर देगा उस कैटायन को जिसका SRP ज्यादा है। ये कैटायन के लिए, एनायन के लिए जस्ट रिवर्स बात हो जाएगी, एनायन के लिए बात जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो कैटायन में SRP कम वाला, यानी जो कैटायन ऊपर है, जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आई सबको बात? तो ये तीन एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं यहां पे गैल्वेनिक सेल में, और चौथी एप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आएगी। तीन यहां पे हमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करना, एनोड कैथोड कंपेयर करना, और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये चीज कंपेयर करना। ये वाली मैं तुम्हें आज चैनल पे और अगली क्लास में इसको मॉडिफाई करके बता दूंगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसे मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है, जैसे ये वाला बताओ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ। इन रिएक्शंस में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो जब भी पहचानना हो एक सीरीज बना लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो दीपक, जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हम फिजिकल से खत्म कर पाएंगे उतनी जल्दी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पे आएंगे। तो सीरीज बनाई जाती है लो से हाई, सबसे कम है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद लेड, लेड के बाद कॉपर, कॉपर के बाद HG, HG के बाद प्लैटिनम। ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और इन सब में ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया, आंसर वुड बी ए, डायरेक्टली आंसर आता है इसके। ठीक है, समझ में आई सबको बात? अगली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन किए जाएंगे और फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा गैल्वेनिक सेल था, तो मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, अलग अलग तरीके से याद रखते हैं लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे याद रख लेना। हाँ मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो मिलते हैं कल की क्लास में। चलो बाय बाय। कॉलर्स लॉ भी उसी में आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। हैव अ नाइस डे बेटा।